केंद्र सरकार ने दिल्ली में इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को हटाकर नेशनल वॉर मेमोरियल की मशाल में समाहित कर दिया। लेकिन इसके विरोध में आज राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ में एक नई अमर जवान ज्योति की नींव रख दी। राहुल गांधी ने कह दिया कि आप अमर जवान ज्योति वहां से अगर हटाएंगे तो हम अपनी अलग नई अमर जवान ज्योति बना लेंगे। तो ये अब कांग्रेस ने अपनी अलग अमर जवान ज्योति बना ली है। 21 जनवरी को भारत सरकार ने दिल्ली के इंडिया गेट पर जलने वाली इस अमर जवान ज्योति का नेशनल वॉर मेमोरियल की मशाल में विलय कर दिया था, और यह एक ऐसा कदम था जिसने भारत को अंग्रेजों की परछाई से निकालने का काम किया। लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार ने इसे राजनीतिक मुद्दा बना दिया और अब यह अमर जवान ज्योति रायपुर के चौथी वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के परिसर में स्थापित की जाएगी। यह केंद्र सरकार को एक खुली चुनौती है। इस अमर जवान ज्योति के साथ एक मेमोरियल टावर का भी निर्माण होगा जिस पर छत्तीसगढ़ में शहीद हुए सैनिकों और भारतीय सेना के जवानों के नाम अंकित किए जाएंगे। इसी के अलावा आपको एक और उदाहरण भी हम देते हैं। अब देखिए, जैसे इस बार बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में एक धुन थी अबाइड बाय मी, केंद्र सरकार ने उस धुन को हटा दिया क्योंकि वो धुन अंग्रेजों द्वारा लाई गई धुन थी और वो हमें अंग्रेजों की याद दिलाती थी। उसकी जगह हमने एक आज अब नई धुन बनाई, वो लता मंगेशकर द्वारा गाया हुआ गाना था, ए मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी। अब आप सोचिए, छत्तीसगढ़ सरकार ने, जब केंद्र सरकार ने इस धुन को यहां से हटा दिया तो छत्तीसगढ़ सरकार ने इसी धुन को अपने राज्य में बनाना शुरू कर दिया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को चुनौती देने के लिए अब अपनी ही राज्य सरकारों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो फैसला नरेंद्र मोदी की सरकार दिल्ली में बैठकर लेती है वो अपनी राज्य सरकारों में हर उस फैसले को पलटने की कोशिश करते हैं। जो 1972 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा जी ने शहीदों के नाम, जवानों के नाम इंडिया गेट में जो अमर जवान ज्योति की स्थापना की थी, जो लौ पिछले 50 साल से अनवरत जल रहा था, आज सरकार ने उसे बुझा दिया है। छत्तीसगढ़ के जवानों ने भी इस देश के लिए खून बहाया है, उनके स्मृति में छत्तीसगढ़ में अमर जवान ज्योति की स्थापना की जाएगी। अगर हम ये कहें कि भाई हिंदुस्तान में सिर्फ एक प्रदेश की या एक विचारधारा की सोच होगी तो ये गलत है और इससे देश का नुकसान होता है। बीजेपी चाहती है, आरएसएस चाहती है कि एक विचारधारा इस देश के सब प्रदेशों पर, सब भाषाओं पर, सब इतिहास पर, सब हिस्ट्री पे एक विचारधारा का राज हो। और मैंने कल पार्लियामेंट में कहा यह कभी नहीं हो सकता है। और यह जो गुलदस्ता है यही हमारा देश है। यह जो अलग अलग सोच है, अलग अलग विचारधाराएं हैं, प्यार की, भाईचारे की जो भावना है, इसी को हम हिंदुस्तान कहते हैं। और इसी हिंदुस्तान पर बीजेपी आक्रमण कर रही है और हम ये आक्रमण का विरोध करेंगे। तो असल में अब आपने देख लिया कि ये राज्य सरकारें जो विपक्षी पार्टियों की हैं, खासतौर पर कांग्रेस की, ये मोदी को नीचा दिखाने के लिए अब लगभग हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर केंद्र सरकार का विरोध करने लगी हैं। असल में इन्हें मोदी का विरोध करना है। और अब आप देख लीजिए, चाहे वो पाकिस्तान का मामला हो, चाहे वो चीन का मामला हो या कोई और मामला हो, हर जगह ये जो पार्टियां हैं, अब ये चीन की बात तो मानती हैं, पाकिस्तान के दावों को सही मानती हैं, अपने देश के दावों को गलत मानती हैं, अपनी सेना के दावों को गलत मानती हैं। पंजाब में भारत के प्रधानमंत्री को सुरक्षा नहीं दी जाती। बहुत सी राज्य सरकारें कोविड पर केंद्र सरकार के नियमों को मानने से इनकार कर देते हैं, नियमों को खुली चुनौती देते हैं। और यहां तक कि चीन और पाकिस्तान के मुद्दे पर भी विपक्ष की राज्य सरकारें अब भारत सरकार के खिलाफ रुख अपनाने लगी हैं, क्योंकि उन्हें मोदी का विरोध करना है और इसीलिए भारत को बाहरी ताकतों के साथ साथ अंदरूनी ताकतों से भी लड़ना पड़ रहा है। और आप देख लीजिए, धीरे धीरे धीरे
ऐसे राज्यों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे राज्य पंजाब में क्या हो रहा है देख लिया आपने, छत्तीसगढ़ अभी आपको दिखाया, पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है आपको बताया, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, तमिलनाडु में क्या हो रहा है, और धीरे धीरे, और केरल भी उनमें से एक राज्य है, आप पाएंगे कि ऐसे राज्यों की संख्या अब धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है जहां पर वो केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नियमों का पालन नहीं करना चाहते, केंद्र सरकार को खुली चुनौती देते हैं और ऐसा बताने की कोशिश करते हैं कि देश का प्रधानमंत्री उन्हें स्वीकार नहीं है, वो उनका प्रधानमंत्री नहीं है। और दूसरी बड़ी बात, अगर जो विदेशी मामले भी हैं, रक्षा से संबंधित जो मामले भी हैं, उस पर भी अब वो भारत सरकार के रुख का समर्थन नहीं करते हैं। ये एक बहुत ही खतरनाक स्थिति हमारे ही देश के अंदर पैदा होती चली जा रही है। Presenting the news app available on Google Play and App Store. Download it now.